अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कोरबास में कर्जा माफ के लिए आई थी, जहां यहां 100 में से 75 लोग ऐसे हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ। किसी का 12,000, किसी का 22,000, किसी का 50,000, किसी का 1,00,000, इतने लोगों हैं। इनके पास कम जमीन भी है और आज तक कर्ज माफ नहीं हुआ। लिस्ट में ना, कई लिस्ट में नहीं ना है और लिस्ट में ना आए, हम तो भाई छूट गए। कितने लोगों का नहीं हुआ आपके गाँव? कम से कम 90-100 में कम से कम 50% छूटे, 75% छूटे, 25% छूट आई कोरवास के अंदर। हम तो बता रहे भाई, हमने सब कुछ करवा था, परेशान हो रहे, उनके पीछे पीछे घूम रहे और है तो कुछ बैंक वाले चिट्ठी में नहीं दे, कोई छूट की बात नहीं करे तो, और पैसे भरवाते हैं। और तो कितना है आपका? हमारा 1,57,000। कह रहे कि जब तक छूट नहीं आ जाए तब भरो, जब फिर तुमने भर दो, फिर जब तो बताओ आय के किस्त में होना है कि नहीं होना है, और दबा देते हैं, भगा देते हैं, बैंक में अंधन नहीं घुसन देते, जाते हैं, कोई छूट नहीं है, तुम्हारी पैसे भरो तुम तो भी, तुम्हारी कोई छूट नहीं। तो वो क्या कह रहे थे आपसे कि कर्ज माफ होगा? हाँ, वो कह रहे थे कि हो गया कर्जा माफ, अफे भाव नहीं है। जैसे कोरबास है, वहाँ मैं गई थी देखने के लिए, वहाँ कम से कम 80 लोग ऐसे हैं जिनकी कर्ज माफ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे लोग हो तो हो सकता है कर्ज माफी वाले दायरे में नहीं आते होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग फार्म डाले हैं सब पे कार्रवाई हुई, कोई सिंगल आदमी ऐसा नहीं जिस फार्म पे कार्रवाई नहीं हुई हो। इवन 25 तारीख तक पुनः एक बार और मौका दिया गया है, अगर आप पे कोई दिक्कत हो रही तो आप फिर से एक बार डाल दें और आप पे पूरी कार्रवाई करके अगर आप नियम के दायरे में आएंगे तो आपको कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हमारी प्रोसेस लगातार चल रही है, तहसीलदार साहब क्या, हमारे यहाँ जिला एग्रीकल्चर अधिकारी क्या, सबके यहाँ अप्लीकेशन भी लिए जा रहे हैं। अगर किसी कोई शंका हो तो डाल के एक अप्लीकेशन डाल दें, उसे पुनः जाँच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी।